So here I am presenting you the Vratwali Idli. Hi everyone, welcome back to the world of Zurika's Kitchen. So आज है एकादशी. मेरी तरह और भी बहुत लोग जो इस व्रत को रखते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि इस दिन हम क्या बनाकर खाएं क्या ना खाएं, वो रेगुलर सा बोरिंग सा खाने से कुछ हटके कोई डिश हो. सो आज हम बना रहे हैं व्रत की इडली. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग. उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूं. फॉर दैट आई नीड सोक किया हुआ साबुदाना. इसको मैंने 1-1.5 आरी सोक किया है बस. थोड़ी सी सामक राइस, थोड़े से पीनट्स, थोड़े से दही. इन सब का मैं पहले एक बैटर बना लूंगी, उसके बाद की प्रोसेस हम आगे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द पेस्ट. इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूं अपना सोक किया हुआ साबुदाना. देन सामक राइस हमने लिए थे थोड़े से वो, और क्रंच ऐड करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से पीनट्स. देन इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून्स दही. अगर और नीडेड होगी तो हम और डाल देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार चेक कर लेते हैं. थोड़ा सा दही और रिक्वायर्ड है इसमें, 1-2 टेबलस्पून. अब इसको थोड़ी देर और घुमाते हैं. सो इट्स डन नाउ. जैसे हमारी सूजी बैटर की होती है, जो भी हमारा इडली वाला बैटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी होती है, सेम वही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इडलीज नाउ. तो ये जो हमारा बैटर है इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं. और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी है जो हमें इडली के लिए चाहिए. इसमें कुछ मसालेज ऐड करते हैं. मसालाज लाइक सॉल्ट एंड पेपर, जो भी हम फास्ट में खाते हैं. सो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, अ लिटल मोर, एंड 3/4 टेबलस्पून्स ऑफ सॉल्ट. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं. सो स्टर इट वेल. नाउ लीव इट फॉर 5-10 मिनट्स ताकि ये फर्मेंट हो जाए थोड़ा सा. तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम इडली स्टैंड हमारा रेडी कर लेते हैं अच्छे से इसको ऑयल से ग्रीस करके, ताकि ये नीचे चिपके ना. सबको जितना भी बैटर आपने डालना है सबको अच्छे से ग्रीस कर देंगे. सबको ये ऐसे, ठीक है. सो बस हमारे इडली बैटर ने भी रेस्ट कर लिया होगा 5-10 मिनट्स के लिए. और अब हम इसको पॉर करते हैं इसमें. और जब तक मैं बैटर ऐड कर रही हूँ तब तक मैंने पानी स्टीम करने के लिए रख दिया फॉर इडली. सो इडली को फ्लफी फ्लफी करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रूटीनो. अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स कर देंगे और इसमें उसी टाइम ही फ्लफीनेस आना स्टार्ट हो जाएगी. सी बबल्स बनने लग गए हैं ना, और ये फ्लफी भी होना लग गया है. So that's it for the batter. Let's pour this batter into the idli stand. First, check out the fluffiness. ये कितना था और कितना हो गया. बस अब हमने इसको इडली स्टैंड में पोर करना है 1 by 1. इतनी क्वांटिटी में. नाउ सेकेंड. ऐसे ही सब में फिल कर लेंगे हम. जस्ट टैप इट वंस. बस ऐसे ही सब में फिल कर लेना है
फिर हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। सो ये रेडी है मेरा इडली स्टैंड। अब हम इसको रखेंगे स्टीम करने के लिए। ओके सो ये मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और ये इडली स्टैंड में इसमें रख देती हूँ बिल्कुल ध्यान से। ये बहुत गर्म हो सकता है सो बी केयरफुल एट दिस टाइम। ओके अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम। नाउ लेट्स वेट जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग यू द व्रत वाली इडली। नाउ चेक दिस चेक आउट द फ्लफीनेस एंड सर्व इट विथ योर चॉइस ऑफ कंडिमेंट्स लाइक दही चटनी व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।